फैसले होने के बाद टूट जाता है कि हम पूरी तरह से शिव सेना के साथ क्या मतलब निकाल रहे हैं। वो जो उस्मानाबाद में हाले उस्मानाबाद ऐसा नहीं है, हमारा बोलना यह है कि कांग्रेस पार्टी सिंगुलर पार्टी है। लड़ने को आया करे शायद जब बोलो एक दो रखते थे वो तो नहीं है, वो तो राजनीति के लिए इधर से उधर जाते हैं, उनको कोई हिंदू तो नहीं है, उनको सिर्फ कुर्सी होना। लेकिन हमारी पार्टी सेकुलर है, हम तो यही कहेंगे कि इसका कांग्रेस ने खुल के विरोध करना चाहिए। कुर्सी चाहिए, पार्टी विरोध नहीं कर रही, फेवर कर रही, तो आप पार्टी छोड़ेंगे क्या? कांग्रेस में रहेंगे आप? हम सुनो, अगर हमारे पार्टी अगर विरोध नहीं करेगी तो हम उसके बारे में सोचेंगे। विरोध करेंगे ना आपकी पार्टी? कांग्रेस कहाँ सुनो, नहीं नहीं कांग्रेस कहाँ विरोध, कांग्रेस में गोवा में ये नहीं था, ये आगामी सरकार के नहीं था। लेकिन आए मिनट जो है उद्धव ठाकरे साहब ने ये निर्णय लिए, उनकी छत खराब हो गई थी, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ना आगे चल के ये काम अंतर करे, इसीलिए उन्होंने आयन मीटिंग में लिए। जबकि हमारी पार्टी सबसे अधिक तरफ साहब ने बोले कि हम अपना मतलब हम बदल रहे, तो माए मजाक में अरब सारे लोग बम्बई के पूरे लोगों के महाराष्ट्र के उनके आगामी सरकार के लोग हैं, हम उनसे कॉन्टेक्ट में थे और उनको कहा कि औरंगाबाद का माहौल खराब हो जाएगा और सिंगुलर लोगों का मतलब बिल्कुल विरोध करना चाहिए। और जो लोगों ने अगर विरोध नहीं करे तो जनता आने वाले दिनों में उनकी उनकी जगह बता दी। अगर वो माइनॉरिटी के वोट लेते हैं आगामी सरकार में जो है तो कांग्रेस को वोट, लेकिन अगर वो कभी वोट लेते हैं और माइनॉरिटी के खिलाफ में काम करते हैं तो वो लोगों ने औरंगाबाद उस्मानाबाद के लोगों को जगह बतानी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने कहा कि विरासत के सामने जब ये मुद्दा गया था तो उन्होंने सिफारिश कर दी, लेकिन आज मराठवाड़े के बड़े बड़े नेता कैबिनेट में बैठे हुए थे, उनका काम था कि इसको विरोध करना, क्योंकि हम सेकुलर पार्टी के लोगों ने विरोध करना था। आज भगवादारियों के साथ में जाके अगर उन्होंने भी कभी विरोध करा होगा तो हमारा पार्टी के लोग अशोक चौहान बाड़ा साहब ने स्वागत करें, स्वागत करें, हर राजकीय धार्मिक संस्कृति के या सामाजिक के सामाजिक इसलिए समाज को देख देखना चाहता हूँ, प्रेम देखना चाहता, भाईचारगी देखना चाहता, इतिहास देखना चाहता, नहीं मैं लता देखना चाहता, शहर का अपना बरकरार रहना चाहिए, अमन शांति बनी रहनी चाहिए, इसलिए समाज की एकता के लिए हम तो चले जाएंगे जाने के करीब, लेकिन आने वाले जनरेशन में शहीद शहर का भी जो भूमि आ जा रहा है इससे बचाने वाली जनरेशन को बचाने के लिए औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे काम करते हुए जो भी पक्ष की तरफ से निर्देश आते रहे मैंने उन सबका पालन किया। मैंने पूरी कोशिश की कि अब यहां पे पार्टी को मजबूत करूं, संगठन को मजबूत करूं, लेकिन जब ये मुद्दा सामने आया नामा बदलने का तो मैंने अपने पक्ष के नेताओं को मेल के जरिए ये बात बताई कि अगर इस मुद्दे के ऊपर अगर हम अपना स्टैंड बदलेंगे, जो हमारी पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही कि हम किसी भी नाम बदल को समर्थन नहीं करते, और ये मुद्दा वो जो 22 प्रोग्राम जो 22 पॉइंट्स पे जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें हमारे उस समय के आदरणीय अहमद पटेल साहब भी उसमें मौजूद थे, दिल्ली से आए थे साहब यहां पे, तो ये उसमें नहीं आता है 22 पॉइंट्स में, तो इसमें हमको नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम जो हमारी विचारधारा या स्टैंड के लिए जाना जाते हैं और उससे जो हमारे साथ जो रहने वाली जनता है सेक्युलर जनता है वो इस मुद्दे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। और जो हमारा स्टैंड है कि हम किसी भी शहर के नाम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि नाम बदलना नहीं चाहिए, जो नाम है वो वैसे रहना चाहिए, तो हमने इसको अपोज करना चाहिए। ऐसा मैंने अपनी पार्टी के दिल्ली से लेकर मुंबई तक के सारे वरिष्ठ नेताओं को मेल्स के जरिए बात बताई थी। लेकिन कल जब ये फैसला आया तो मुझे लगा कि
ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं पार्टी के अंदर, जो सेक्युलर लोग हैं इस शहर के, जो इस शहर से प्यार करते हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो इससे खुश नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने शहर के लोगों के खुशी के लिए पूरी तरीके से काम नहीं डिलीवर कर पाऊं तो इस पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। मैंने नैतिक तौर पे जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद का इस्तीफा अपने पार्टी हाईकमांड को दे दिया है, क्योंकि हमारा एक मानना यह है कि ये जो शहर है ये सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे सारे औरंगाबाद में रहने वाले औरंगाबाद वासियों की ये एक पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमको जाना जाता है औरंगाबाद कर के नाम से। हम बड़े फख्र से हर समाज की जो बेटियां हमारी यहां से कहीं दूसरे शहरों में ब्याही की जाती हैं वो भी यही कहती हैं कि मेरा मायका औरंगाबाद से है, या कोई अगर दूसरे देश जाता है वो कहता है कि मैं औरंगाबाद से हूं। औरंगाबाद को सारे देश में लोग, सारे विश्व में लोग जानते हैं। एक ऐसी शहर की पहचान को, 400 साल की पहचान को मिटा देना, मुझे लगता है कि यहाँ के जो रहवासी हैं, जो इस शहर, जो इस मिट्टी से प्यार करते हैं, उनके आत्मा का कहीं ना कहीं खून करने के बराबर है। ये एक पार्टी का एजेंडा था, हमने इसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पद का इस्तीफा दिया। मेरे साथ जो काम करने वाले शहर के अंदर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी जो है अपने पदों का इस्तीफा दे दिया है। कईयों ने मुझे व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के या फेसबुक के जरिए उसके उनके सारे राजीनामे भेज दिए हैं। और हम लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में काम करते रहेंगे। गांधी जी की, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, नेहरू जी की, मौलाना आजाद की जो हमारी सेक्युलर विचारधारा है उसके ऊपर काम करते हुए अपने शहर में किस तरीके से खुशहाली लाई जा सके, डॉक्टर रफीक जकरिया ने जो सपना इस शहर को दिखाया था फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया का, वो सपने को आगे ले जाते हुए हम काम करेंगे। और साथ साथ ये लड़ाई जो है इस शहर के नाम की, वो हम बिल्कुल खुल के जारी रखेंगे। हम मैंने जो इस्तीफा दिया है वो अपनी जनता के साथ आने के लिए दिया है। उनको ये नहीं लगे कहीं कहीं कि ये सत्ताधारी पार्टी का या किसी पॉलिटिकल उसका है, ये बात नहीं कर सकता। मैं खुल के अपनी जनता के साथ खड़ा हूं। ये लड़ाई जहां भी लड़ी जाएगी मैं कांधे से कांधा लगा के तन मन धन से औरंगाबाद का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करती है तो क्या करेंगे? ये उनकी मर्जी है एक्सेप्ट करना नहीं करना। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी पार्टी ने, मैंने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया, लेकिन अब मैंने बता दिया है कि मैं इस पद पे काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी मुझे अगर कोई आंदोलन धरने में कहीं भी आदेश देगी मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूं। और जहां मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप यहां जाके काम करें मैं काम करूंगा, लेकिन औरंगाबाद के विषय के ऊपर मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। आखिरी तक के जो कांग्रेस विरोध भी किया, देखिए मैं कोई विधायक नहीं हूं, मैं एक शहर जिले का अध्यक्ष रहा तो मुझे पता नहीं मैं औरंगाबाद में ही था। अभी ये क्या वहां पे अंदर हुए ये पूरी बातें साफ नहीं हो पाई है। और इस वक्त जिस तरीके से हालात चल रहे हैं कि बीजेपी ने एक घोड़ाबाजारी करके एमएलएस को खरीद फरोख की, तो ये सारी बातें देखना जरूरी है। एक तरीके से मीडिया की भी, कई जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठे, इसलिए उनकी रिपोर्ट्स पे भरोसा करके ऐसी कोई बात करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। हम पूरी चीज की जानकारी देंगे और मुझे मेरी पार्टी की नेतृत्व पे हाईकमांड पे भरोसा है वो जरूर इसमें संज्ञान लेगी, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी कभी नहीं रही कि नाम बदलने हम सपोर्ट करते हैं। बहुत कड़ी शब्दों में जो है टिप्पणी और टीका की है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं पर, तो इस पर क्या भूमिका है आपकी? वो उनका मत है, वो उनका मुंह है, वो जो चाहें कह सकते हैं लोगों को। हम कांग्रेसी जो हैं गांधी जी के मानने वाले हैं, हम हमेशा सभ्यता से और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो उनका स्टैंड है, वो जैसे जो बोले जो करें वो उनका डिसीजन है, वो आप उनसे सवाल पूछे। तो मुश्ताक अहमद ने जो कृति समिति बनाई है नामांतरण के विरोध में, तो इसमें आप दिखाई नहीं दिया आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेरी आज सवेरे मुश्ताक साहब से बात हुई थी इस बारे में, मैंने उनको भी अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि जो भी लड़ाई जहां भी औरंगाबाद के नाम के लिए हो रही है मैं हर उसमें उसके साथ हूं, मैं उनके साथ हूं। आज यहां मुझसे मिलने के लिए काफी लोग आते रहे, मीडिया के कई भाई मुझसे मिलने के लिए आए, तो इसलिए मैं वहां नहीं जा पाया।